अरे आपके हित की कथा का आज करूं मैं बखाना, अरे आज करूं मैं बखानो भैया, सुन लो जन ध्यान लगाए। और बात है भैया बड़े ज्ञान की, जीवन सफल बना ओ भैया, जीवन सफल बना ओ भैया, जीवन सफल बना। कई बात तुम्हें हटाने आए हैं, समझाने आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं, लाख टके की बात तुम्हें बतलाने आए हैं, बताने और क्या समझाने आए हो? अरे भैया आज हम बहुत ही ज्ञान की बात बताने आए भैया। ज्ञान की बात? हाँ भैया, देखो भैया गंदगी जो है वो 100 बीमारियों की क्या है, जड़ है, और इस गंदगी से अनेकों रोग पैदा होते हैं। भाई हम सब जानते हैं कि गंदगी से नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गंदगी करने से बाहर नहीं आते। अब जैसे कि भैया देखो, घर है, आंगन है, कार्यालय है, ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर भी गंदगी करने से लोग बाहर बिल्कुल नहीं आते भैया। गंदगी मतलब कैसे हम समझे, कैसे लोग, कैसे कैसे लोग होते हैं? अरे भैया गंदगी, अब जैसे कि मान लो तुमने कोई गंदगी करी और उस गंदगी पर आकर मच्छर बैठे, मक्खी बैठी, और वही गंदगी मतलब मच्छर मक्खी आपके घरों में गए, आपके बर्तनों पर बैठे, आपके खाने पर बैठे, और उसी खाने को आपने खा लिया, तो भैया वो बीमारी के कीटाणु आपके अंदर पहुंचे नहीं पहुंचे? बात तो सही है भैया। हाँ भैया सही है भैया। और साथ साथ जो है हमारे भैया जन, जैसे कि भैया रोडवेज है, रेलवे जंक्शन है, वहाँ पर भी जाकर सामने गंदगी फैला देते हैं। तो भैया जो है ना बड़ा गलत बात, बहुत गलत बात बीमारी। भैया आप ही सोचे कि आपने वास ऐसी तो गंदा कर दिया, अब दूसरा व्यक्ति अगर आएगा तो उसको अच्छा लगेगा क्या? अरे भैया तुम इससे क्या मतलब, जाओ अपना काम करो जाके जाओ। अरे भैया यार सुबह सुबह कैसी याद तो है साहब, आइए देखिए साहब इन सज्जन को फोन भी लगा हुआ। हाँ भैया। अरे भाई साहब अरे फोन बंद करिए पहले, फोन बंद करिए, बात जरूरी बात कर रहा है। अरे भाई साहब आपने केला खाया, खाया और खाने के बाद उसको इस तरह डाल दिया, चक्कर जो खा रहा हूँ। अरे भैया आपने सोचा है क्या, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इधर से गुजरेगा और उस पर अगर उसका पैर पड़ गया, हम इस रोड पे, ये तो हमारा जन्म अधिकार है, हम ऐसी गंदगी फैलाते हैं। अबे देखो साहब हमारी घर की ढोरी इधर से गुजर रही है। आइए आइए भाई साहब। मैडम नमस्ते। हाँ भैया। अरे भैया पता नहीं कौन मैडम, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम लक्की है, बताइए। लक्की जी आप किसी ऑफिस में कार्यालय में काम करती है? हाँ। तो मैडम आप तो खा रही हो, खाने के बाद ये गंदगी की जगह जगह फैला दे रही है, आपको मालूम है इससे कितनी बीमारियां फैलती है? बीमारी फैले तो गंदगी के मैं आपकी जेब में रख लूं। अरे तो भाई साहब आप लोग ये सब गंदगी क्यों फैला रहे हैं? अरे भैया ये हम लोग गंदगी फैलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए भाई साहब, तो अभी तो दिखाई आपको बांधगी और आप दिखाते हैं आपको खेल, यानी के जमाने की सच्चाई, जमाने की सच्चाई। चलिए भैया चलो भैया ये चलते हैं आपको एक गांव की ओर। बोर भई रे बोर भई, बोर भई रे बोर भई, बोर भई रे बोर भई, बोर भई रे बो, बनवाए से छिड़के, बनवाए से छिड़के जैसे मन में नचे मोर, बोर भई रे बोर भई, बोर भई रे बो। उपस्थित सभी बच्चे, सभी सज्जन और हमारे साथी, हम आपका इस ब्रांच के भोजनावकाश में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक नुक्कड़ नाटक में स्वागत करते हैं और इस बात की शपथ लेते हैं कि हम अपने कार्यालय, अपने घर, अपने परिवेश को स्वच्छ रखेंगे एवं स्वस्थ मिलने वालों को स्वच्छता का संदेश देंगे कि वो लोग भी अपने आसपास जगह को स्वच्छ रखें। स्टे क्लीन, कीप इंडिया क्लीन। थैंक यू। देवी और सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज जो नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया है वो स्वच्छता अभियान के तहत किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन
के अंतर्गत जो बातें अभी बताई गई है उसके तहत हम इस बात का संकल्प लेते हैं और आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि आप प्रतिज्ञा करें कि आज से हम सभी लोग अपने आसपास गंदगी को खटकने नहीं देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे आसपास की जगह स्वच्छ रहे, साफ रहे और साथ ही हम और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो इस तरीके के गंदगी जो भी इनके आसपास हो उसको हटाए, स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दें। स्वच्छता हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि गंदगी से अनेक बीमारियां फैलती हैं और गंदगी एक वो अभिशाप है जो कि छोटे बड़े अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं समझती और हर एक को जो है इससे होने वाली बीमारियों से नुकसान भुगतना पड़ता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आज हम लोग पुनः इस बात की शपथ लें कि अपने आसपास गंदगी को नहीं रहने देंगे और साथ ही जो हमारे मिलने वाले हैं उनसे भी इस बात की गुजारिश करेंगे तो वो अपने ऑफिस में, अपने घर पर, अपने आस पड़ोस में, अपनी कॉलोनियों में स्वच्छता को बढ़ावा दें और स्वच्छ रखें। जो आज ये प्रोग्राम करा गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छता को लेकर जो एक जन जागरण की जो कोशिश चल रही है ये उस कोशिश का एक अंग है। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो व्यक्ति रहता है, जो नागरिक रहता है, वो हर तरीके से अपने मन से, कर्म से अपने स्थान के लिए अपने स्थान को साफ सुथरा रखे जिससे वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ रहे, उसका मन भी स्वच्छ रहे और जो स्वास्थ्य के प्रति जो आदमी की एक अच्छी जागरूकता हो सकती है उस जागरूकता के प्रति वो अपना कर्तव्य निभाए। हमारा आज का जो प्रोग्राम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बरेली ब्रांच के प्रांगण में जो एक नुक्कड़ सभा के रूप में जो प्रोग्राम करा गया वो उसी चीज की एक अभिव्यक्ति थी।